हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं डॉक्टर शिखा। गाइस, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है इस वीडियो के लिए। गाइस, मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें मैंने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया है, अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में। मैं अराउंड 110 केजीज की थी जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी। यू हर्ड इट राइट गाइज, आई वॉज 110 केजीज, 110 किलो मेरा वेट था उस वक्त पे, जब मैंने एक दिन ये ठान लिया था कि नहीं बस बहुत हो गया, मुझे अब इस वेट के साथ नहीं रहना और मुझे अपना वेट लूज करना ही करना है। और उस दिन मैंने ये सोच लिया था अपने दिमाग में कि मुझे वेट लूज करना है, और मैंने अपना डाइट शुरू किया जिसकी वजह से मैंने अपना वेट अराउंड 45-50 केजीज तक रिड्यूस किया। उस वक्त पे मैंने जो डाइट प्लान फॉलो किया था जिससे मैंने अराउंड 10-12 केजीज लूज किया था इन अराउंड 15 डेज, और वो ऐसा डाइट प्लान है जिससे आप अराउंड 15 केजीज तक लूज कर सकते हैं 15 डेज में। गाइज, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। मैंने खुद से इतना सारा वेट लूज किया है और मैंने यही डाइट प्लान फॉलो किया था उस वक्त पर जब मैंने वेट लूज किया, और आज ये मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स फॉलो कर रहे हैं और वो अराउंड 15 केजीज तक लूज करते हैं 15 डेज में। ये बहुत ही इफेक्टिव डाइट प्लान है। पिछले वाले डाइट प्लान में मैंने बहुत सारे ऑप्शंस नहीं दिए थे आपको, तो आप लोगों ने मुझे बोला कि हम ये जो ऑप्शंस आपने इसमें दिए हैं उसको खाते हुए काफ़ी बोर हो जाते हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके इतना प्यार दिखाया और आप लोगों ने मुझे बताया कि आप लोग कितना वेट लूज़ कर रहे हैं ये डाइट प्लान फॉलो करके, और उससे मुझे और भी बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला और मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आई हूँ आपके लिए, और वही सेम डाइट प्लान जिससे आप 15 केजीज लूज करेंगे अराउंड 15 डेज में एंड 200% करेंगे, क्योंकि मैंने किया है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स करते हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे। गाइज, मैं आपकी सिचुएशन में थी एक दिन जब मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट थी, मैं ओबीस थी, और उस वक्त पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हर टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ यही चलता था कि मैं कैसे अपना वेट लूज करूं, कि कैसे लोग मुझे मेरे वेट की वजह से बुरा भला बोल रहे हैं, मुझे आप बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा, मुझे कोई ड्रेसेस फिट नहीं आती, मैं फोटोग्राफ्स में लोगों के पीछे छुपती हूं, मुझे सामने आके कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता, मिरर में देखना भी अच्छा नहीं लगता। आई नो कि कैसा लगता है ऐसी सिचुएशन में, और मैं उन सब चीजों को फेस कर चुकी हूं, इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूं ये एक बहुत ही इफेक्टिव डाइट प्लान जिसको आप जरूर फॉलो करिए। एंड अगर मैं कर सकती हूं, मेरे क्लाइंट्स कर सकते हैं, तो आप भी लूज कर सकते हैं अराउंड 15 डेज में। गाइज, वेट लॉस जो है ना तो वो जिम में होता है, ना वो एक्सरसाइज से होता है, वेट लॉस होता है यहां से, दिमाग से। आपने अपने दिमाग में एक बार ठान लिया ना कि मुझे वेट लॉस करना है, अब मुझे इस ओबीस, इस ओवरवेट शरीर के साथ नहीं रहना, तो फिर आपका वेट लॉस होगा ही होगा, और कोई भी आपको नहीं रोक सकता वेट लॉस करने से। गाइज, किसी के भी बारे में मत सोचिए, किसी की भी बातों को मत सोचिए, कौन आपको कितना नेगेटिव बोलता है, बस अपने कान और अपने आंखें बंद रखिए, सिर्फ एक पॉजिटिविटी लेकर आइए अपने अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपना काम करते चलिए, अपना वेट लॉस करते चलिए। तो शुरू करते हैं हम आज का डाइट प्लान। गाइस, सबसे पहले उठते ही आपको क्या करना है, नहीं आपको वेट चेक नहीं करना, आपको अपने दिमाग को बोलना है कि मुझे वेट लॉस करना है, मैं कर सकती हूँ और मैं करके ही रहूँगी। हर सुबह उठ के अपने आप को ये चीज़ आप रिमाइंड कराइए, और उसके बाद सबसे पहला जो काम आपको करना है उठते ही वो है वेट चेक करना है। आप वॉशरूम यूज़ करके अपना वेट चेक करिए। गाइस, डेली की हैबिट बना लीजिए कि आपको वेट चेक करना ही करना है। मैं आज तक अपना वेट चेक करती हूँ, सुबह उठते ही सबसे पहला जो मेरा काम रहता है ना वो यही होता है कि मैं उठ के वेट चेक करती हूँ, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि आप जो डाइट फॉलो कर रहे हैं वो आपके ऊपर क्या इफेक्ट दे रही है और वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो डेली सबसे पहले उठते ही आपको अपना वेट चेक करना है। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आपकी बॉडी में जानी चाहिए वो है पानी, वो है हमारी मॉर्निंग ड्रिंक। गाइस, पिछले वाले डाइट प्लान में मैंने आपको जीरा वाटर बताया था मॉर्निंग ड्रिंक में, तो आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस डाइट प्लान में मैं आपको बता रही हूँ टर्मरिक टी, बहुत ही सुपर एंड इफेक्टिव है ये, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इसको अपने वेट लॉस में, मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही है, मेरे क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये आपको वेट लॉस तो देती ही देती है फास्ट, एंड
एंड उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव इंच लॉस भी देती है, एंड उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए, आपको ब्लोटिंग, गैस या एसिडिटी इन सब चीज़ों से बचाती है। तो मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो आपको लेनी ही लेनी है। 15 डेज तक आप टर्मरिक टी यूज़ कर सकते हैं, देन नेक्स्ट 15 डेज तक आप अपना जीरा टी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले वाले डाइट प्लान में बताया था। तो गाइज, टर्मरिक टी कैसे बनानी है चलिए देखते हैं। गाइस, टर्मरिक टी बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1 लीटर पानी है, उसको गैस पर रख दिया है मैंने। ये टर्मरिक रूट है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है सब्ज़ी वालों के पास। अगर आपको ये ना मिले तो आप नॉर्मल टर्मरिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं पानी में। 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक है, जिंजर, इसको भी पानी में डाल देंगे। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है मैंने, ये भी डाल देंगे इसमें। ये 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, सिनेमन स्टिक्स, इसको भी पानी में डाल देंगे। इसको मिला देंगे अच्छे से, बस दैट सिंपल। इसको ढक देंगे, लिड लगा देंगे और बॉईल होने देंगे। अब जब ये बॉईल हो जाएगा तो लिड हटा देंगे और बस गैस ऑफ कर देंगे। इसको स्ट्रेन कर लेंगे हम, छान लेंगे और इसको गरम गरम ही पीना है हमने, 1 ग्लास सुबह खाली पेट। और बाकी का भी जो बचा हुआ है उसको गरम करके हम पूरे दिन में 1-1 ग्लास करके पी लेंगे। तो ये रेडी है हमारी टर्मरिक टी। गाइस मेरा डाइट प्लान फॉलो करते हुए आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। जब भी आप मेरा कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, 8 आवर्स की स्लीप जो है वो मस्ट है। अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे तो आपकी बॉडी उतना इफेक्टिवली वेट लॉस नहीं करेगी। एंड फिर आप सोचेंगे कि क्यों मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। आपको 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है। रात को कोशिश करिए 10 मैक्सिमम 10:30 बजे तक आप सो जाइए। सुबह आप 6:30-7 o'clock तक उठिए एंड फिर उठकर अपना रूटीन फॉलो करिए, अपना डाइट प्लान फॉलो करिए। अब मॉर्निंग ड्रिंक के बाद आती है हमारी ब्रेकफास्ट की बारी। ब्रेकफास्ट आप अराउंड 8:30 तक बिल्कुल ले लीजिए, उससे ज़्यादा लेट आप बिल्कुल मत करिए। तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको दे रही हूँ 4 ऑप्शंस। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है मल्टीग्रेन सैंडविच का। कैसे बनाना है उसको चलिए किचन में देखते हैं। गाइज, नेक्स्ट आता है हमारा वेजी सैंडविच। उसके लिए मैंने स्लाइस टमाटो, स्लाइस क्यूकम्बर और स्लाइस अनियंस ले लिए हैं, और ये बहुत पतली सी स्लाइस मैंने यहाँ पे पनीर की ले ली है, और ये पनीर मैंने घर पे बनाया है। आप मार्केट से लो फैट पनीर ले सकते हैं। अब ये 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए मैंने, इस पर ग्रीन चटनी को स्प्रेड कर रही हूँ मैं दोनों स्लाइसेस पे। अब अपनी वेजीज जो हमने स्लाइस करके रखी थी वो हम अपने ब्रेड स्लाइसेस पे लगा देंगे। अनियन के रिंग्स निकाल के रख रही हूँ मैं। अभी आ गया हमारा क्यूकम्बर। अब थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया है, बिल्कुल 1 चुटकी, और थोड़ा पेपर डाल देंगे इस पर। और ये आ गया हमारा पनीर का स्लाइस, थोड़ा पेपर और डाल देंगे। अब इसको हम ग्रिल कर लेंगे, थोड़ा घी लगाएंगे एंड दैट्स इट, इसको ग्रिल कर लेंगे। रेडी है हमारा मंची वेजी सैंडविच। इट इज डिलीशियस गाइस, डू ट्राई इट। गाइज, इसके बाद जो मैं ऑप्शन आपको दे रही हूँ इस डाइट प्लान के साथ वो है हमारी मल्टीग्रेन रोटी। 1 से 2 मल्टीग्रेन रोटी आप किसी भी सीजनल वेजिटेबल के अच्छे बड़े बोल के साथ आप ले सकते हैं, और उसके साथ आप ले सकते हैं मिल्क, टर्मरिक मिल्क लीजिए या फिर आप ठंडाई लीजिए। दोनों की रेसिपी मेरे चैनल पर है, टर्मरिक मिल्क भी और ठंडाई भी, आप इसको जाके देख सकते हैं कि कैसे बनाना है। मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि ब्रेकफास्ट के साथ आप चाय या कॉफ़ी मत लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं
तो दूध के न्यूट्रिएंट्स और आपके ब्रेकफास्ट के न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो अगर आप चाय कॉफ़ी अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ दूध लीजिए एंड टर्मरिक मिल्क और ठंडाई दोनों ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ वो है चीला। मेरे चैनल पर तीन चीले की रेसिपी हैं, आप तीनों में से कोई भी चीला ले सकते हैं, बेसन चीला, कुट्टू चीला या मूंग दाल चीला, तीनों में से कोई भी चीला आप एक या दो ले सकते हैं, ये भी आपको सुपर्ब वेट लॉस देंगे और बहुत देर तक आपको फुल रखेंगे। फोर्थ ऑप्शन ब्रेकफास्ट का है स्टफ पराठा। मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी रेसिपी है, आप जाके देख सकते हैं, ये बहुत ही अमेजिंग एंड सुपर्ब है। मेरे क्लाइंट्स बताते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताते हो कि ये स्टफ पराठा बहुत ही यमी लगता है आपको, तो आप इससे भी वेट लॉस कर सकते हैं। इसके बाद आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हमारी मिड मॉर्निंग स्नैक। गाइज, मिड मॉर्निंग स्नैक क्यों लेना इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रखते हैं तो हम लंच बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं अपने लंच में, जो हमारे वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हमेशा आप एक मिड मॉर्निंग स्नैक लीजिए जो होता है एक सीजनल फ्रूट, कोई भी ऐसा फ्रूट जो आपके लोकल एरिया में अवेलेबल हो, जो सस्ता हो, जो सीजन का हो, जो फ्रेश हो। कोई भी फैंसी इंपोर्टेड फ्रूट्स आप मत लीजिए, आप लीजिए आपके एरिया में जो भी लोकली फ्रूट जो उस टाइम पर अवेलेबल है, क्योंकि वो फ्रेशली ग्रोन होगा और वो आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। इसके बाद आती है हमारी लंच की बारी। लंच आप अपना 1-1.5 बजे तक कर लीजिए, उससे ज़्यादा लेट मत करिए। अगर आप लंच बहुत ज़्यादा लेट करेंगे, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होगा, तो ऐसी टेंडेंसी है कि हम लंच को ओवरईट करेंगे और बहुत ज़्यादा खा लेंगे, जो हमारे वेट लॉस के लिए अच्छा नहीं है। तो कोशिश करिए आप अपना लंच जो है वो 1:30 तक कर लीजिए। लंच में भी मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रही हूँ। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है दाल का, और हाँ, हम दाल खा के भी वेट लॉस करेंगे और दाल से हमारी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग डाइट करते वक्त प्रोटीन नहीं खाते, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आपको डाइट प्लान में दाल भी दूंगी जिससे भी हम वेट लॉस करेंगे। कैसे बनानी है दाल, चलते हैं किचन में और देखते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं अपनी 1 पॉट वेजी दाल। उसके लिए हमने कुकर ले लिया है, ये मैंने 1/2 कप मूंग धुली दाल ले ली है, येलो दाल। इसको मैंने वॉश कर लिया है और इसको मैं कुकर में डाल रही हूँ। अब मैं इसमें उसका डबल पानी डाल दूंगी, यानी कि 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं। आप जिस कटोरी से इसको मेजर करेंगे उसका डबल पानी डाल दीजिए। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें। कुकर की लिड लगा देंगे हम। अब दाल को कुक कर लेंगे हम, गैस ऑन कर देंगे और इसको 4 विसल्स आने तक हम पकाएंगे। अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है मैंने, उसमें 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी राई डाल दी है मैंने, मस्टर्ड सीड्स, और 1 सूखी लाल मिर्च डाल दी है, ड्राई रेड चिली, रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी, टर्मरिक पाउडर। यहाँ पे सांबर मसाला डाल रही हूँ मैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे हम इनको। अब ये कुक हो गया है। अब इसमें मैं अनियन डाल रही हूँ 1 चॉप करके, इसको भी थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे हम सारे स्पाइसेस के साथ। अब ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है, मिक्स हो गया है हमारा अनियन। अब यहाँ पे मैं बीन्स ले रही हूँ, फ्रेंच बीन्स चॉप करके, कैरेट ले लिया मैंने चॉप करके, कैप्सिकम ले लिया है मैंने चॉप करके, और 1 टमाटो ले लिया है चॉप करके। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। थोड़ा सॉटे कर लेंगे, इसे कुक कर देंगे हम अच्छे से। अब इनको कवर करके कुक कर देंगे हम, लिड लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे हमारी दाल जो है वो कुक हो गई है, स्टीम निकल गई है कुकर में से, 4 विसल्स आ गई थी इसमें। देख लेते हैं दाल को, बहुत अच्छे से कुक हो गई है हमारी दाल यहाँ पर। बस अब इसको पैन में डाल देंगे, लिड हटा रही हूँ मैं। जो हमारी वेजीज थी ये भी अच्छे से कुक हो गई हैं, दाल को इसमें मिक्स कर देंगे हम।
सारी दाल मैंने पैन में डाल दी है। हाफ कप पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको मिक्स कर देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। हाफ कप पानी और डाल रही हूँ, मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है दाल यहाँ पे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। दैट्स इट, रेडी है हमारी दाल बिल्कुल। इसको बॉयल आने देंगे और मिक्स कर देंगे एंड इट्स रेडी टू सर्व। गाइज ये मेरी फेवरेट दाल है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही फिलिंग है। इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे हम, ये इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देगा। इसको मिक्स कर देंगे एंड इट्स रेडी टू सर्व। इट्स एब्सोल्युटली रेडी एंड इट्स एब्सोल्युटली डिलिशियस गाइज। इसको तो ट्राई करना बनता ही बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो गाइज ये थी हमारी दाल की रेसिपी। अगर आपका दाल लेने का मन नहीं है लंच में तो मैं आपको कुछ और दे देती हूँ। आप खा सकते हैं सॉटेड बीन्स। ये मेरी सॉटेड बीन्स की रेसिपी है, आप इसको जाके देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही डिलिशियस है और वेट लॉस के लिए सुपर्ब है। एंड ये भी प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसको आप लंच में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप बीन्स नहीं खाना चाहते तो आप ले सकते हैं मेरा ये मूंग दाल स्प्राउट। ये भी बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही क्रंची सा है। अगर आपका बहुत कुछ हैवी खाने का मन नहीं है तो आप ये ले सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग है एंड वेट लॉस के लिए भी बहुत सुपर्ब है एंड ये भी प्रोटीन रिच सोर्स है। अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते, ब्रेकफास्ट में आपने हैवी अच्छा नाश्ता लिया हुआ है और बहुत कुछ लाइट खाने का मन है आपका लंच में, तो आप ले सकते हैं मेरी बीट रूट स्मूदी की रेसिपी। ये बहुत ही एक लाइट ऑप्शन है, बहुत ही रिफ्रेशिंग है एंड बहुत यमी ऑप्शन है। आप इसमें अच्छे से लेमन स्क्वीज करके इसको लीजिए, बहुत ही डिलिशियस लगता है ये। एंड ये स्किन और बालों के लिए बहुत ही सुपर्ब है, डिटॉक्स कर देता है आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से एंड बहुत ही मैजिकल ड्रिंक है ये। गाइज लंच के बाद आती है हमारी इवनिंग टी की बारी, इसको भी आप स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर आप इवनिंग में थोड़ा बहुत कुछ स्नैक ले लेते हैं तो आप अपने डिनर में ओवर ईट नहीं करते और फिर उसके बाद आपका जो वेट लॉस है वो ज़्यादा इफेक्टिवली होता है। तो इवनिंग टी के टाइम पे आप लीजिए ग्रीन टी, कोई भी किसी भी ब्रांड की ग्रीन टी आप ले सकते हैं। उसके साथ में आप लीजिए 5 almonds, 2 walnuts and 4 raisins। अगर आप नट्स नहीं लेना चाहते या नट्स आपको सूट नहीं करते तो आप ले सकते हैं 1 छोटी कटोरी भुना चना, या फिर आप ले सकते हैं थोड़े से मिक्स सीड्स जिसमें पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, इस तरह के सीड्स का मिक्सचर होगा। या फिर आप ले सकते हैं मखाने। मखाने भी सिंपल नहीं, मैं बहुत ही एक यमी डिलिशियस मखाने बनाना बताती हूँ आपको, जो आप एक छोटी कटोरी अपनी ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं और आपको फिर बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप डाइट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किचन में कैसे बनाने हैं हमने अपने मखाने। इंडियन मसाला मखाने बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक पैन को गैस पर रख दिया है सिम टू मीडियम फ्लेम पर। इसमें 1 स्पून हम देसी घी डालेंगे एंड इसमें थोड़े से मखाने हम रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पर सिम टू मीडियम रहेगी एंड इसको हम लैडल को चलाते हुए अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि मखाने जले नहीं और बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएं। अब देख लेते हैं मखाने हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए कि नहीं। एक मखाना हमें टेस्ट करना है, बस इसको दोनों हाथों के बीच में हम प्रेस करके तोड़ के देखते हैं। अगर ये अच्छे से टूट जाएगा तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, बहुत ही थोड़ा सा। थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला डाल रही हूँ, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम सारे स्पाइसेस के साथ ताकि सारे स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे से मर्ज हो जाएं। एंड दैट्स इट, आवर मखाना आर एब्सोल्युटली रेडी। इसको सर्व कर देते हैं हम। इसको आप शाम को अपनी ग्रीन टी के साथ 1 छोटी कटोरी ले सकते हैं एंड अगर आपको नमकीन या चटपटे की क्रेविंग होती है तो आप इसको खाइए इंस्टेड ऑफ एनी पैकेज स्नैक्स। ये आपको बिल्कुल भी वेट गेन नहीं देगा।
तो गाइज ये थे हमारे मखाने की रेसिपी, इसको आप ज़रूर ट्राई करिए अपनी ग्रीन टी के साथ एंड आपको इससे एक बूस्ट मिलेगा। आप जब डाइट कर रहे होते हैं तो ऐसी कुछ अच्छी टेस्टी चीज़ें अगर आप खाते हो अपने डाइट के साथ तो आपको एक बहुत एनकरेजमेंट मिलता है और आपको लगता नहीं है कि आप डाइट कर रहे हैं। एंड अगर आप शाम को ग्रीन टी लेंगे एंड ये थोड़ा बहुत स्नैक करेंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है जो शाम तक आते आते काफ़ी स्लो हो गया होता है वो फिर से जो है वो बढ़ जाएगा और उससे आपका वेट लॉस जल्दी जल्दी होगा। तो इसके बाद हम आते हैं अपने डिनर पे। गाइस डिनर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे डाइट प्लान का, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ। डिनर जो है अपना 7:30 मैक्सिमम तक आप ले लीजिए, इसके बाद आप अपना डिनर बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आप अपने डिनर का टाइम सही रखते हैं तो आप लाइफ में कभी भी वेट गेन नहीं करेंगे, इस बात को आप याद रखिए। हमेशा अपना डिनर जो है वो 7:30 तक कंप्लीट कर लीजिए। गाइस डिनर में मैं आपको चार ऑप्शंस दे रही हूं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हमारा बहुत ही इजी सिंपल एंड क्विक एंड बहुत ही यमी टमाटो सूप का। कैसे बनाना है उसको चलिए किचन में देखते हैं। यहाँ हम बना रहे हैं टमाटो पेपर सूप। उसके लिए मैंने कुकर ले लिया, एक छोटा चम्मच ऑयल डाल लिया है, जीरा, लौंग, दालचीनी, दो इलायची, एक बड़ी इलायची, तेज पत्ता डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, और सूखी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च और सौंफ डाल रही हूँ। ये सारे खड़े मसाले जो हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। दो बड़े टमाटर काट के डाल रही हूँ मैं इसमें और थोड़ा सा इसको भी हम सौते कर लेंगे। एक छोटा चम्मच मैं यहाँ पे बेसन का डाल रही हूँ, इसको मिला लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे ताकि बेसन कच्चा ना रहे। अब यहाँ पे मैं एक ग्लास पानी डाल रही हूँ, इसको मिला दूंगी। यहाँ पे सॉल्ट मैंने बिल्कुल नहीं डाला है, कुकर को बंद कर दिया है मैंने। चार विसल आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और जब सारी स्टीम निकल जाएगी तो हम कुकर खोल देंगे। और देखिए इस तरीके से हमारा सूप रेडी हो गया है। बस इसको अब हमें ग्राइंड करना है। मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से मैं सारा ब्लेंड कर दूंगी, सारा ग्राइंड कर देंगे। जब सारा ग्राइंड हो जाए तो उसके बाद मैं इसको यहाँ पे छान रही हूँ और एंड में कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ थोड़े से सीड्स, टमाटर के छिलके और जो हमारे मसालों का जो पार्ट है बस इतना, सिर्फ इतना बचेगा। अब ये जो सूप है इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ, सर्व करने के लिए रेडी है। ये बहुत ही यम्मी है गाइज, इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा। इसमें कुछ भी थिकनिंग के लिए नहीं डाला है मैंने, सॉल्ट भी नहीं डाला है, सिर्फ थोड़ा सा बेसन डाला है जो इसको थिक करने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितना गाढ़ा बना है और ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है। बस इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालिए, चाहे तो आप लेमन भी डाल सकते हैं और रेडी है हमारा सूप पीने के लिए। गाइज डिनर में मैं आपको तीन और ऑप्शन दे रही हूँ। अगर आप टमाटो सूप नहीं लेना चाहते तो आप हॉट एंड सार सूप ले सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग सूप है ये। बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि आप डाइट करें। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बताते हैं मुझे कि मैम हमने ये बनाया और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना, बहुत टेस्टी बना, आप इसको हमें बार बार दो डाइट प्लान में। तो गाइज ये मेरे चैनल पर है हॉट एंड सार सूप की रेसिपी, आप जाके देख सकते हैं, आप ये ले सकते हैं। अगर आप सूप नहीं लेना चाहते, आपका थोड़ा कुछ हैवी खाने का मन है, थोड़ी भूख आपको ज़्यादा है, तो ये एक बहुत ही अमेजिंग क्रंची कैरेट बीन की रेसिपी है, इसको आप जाके देख सकते हैं कैसे बनाना है और आप इसको ले सकते हैं अपने डिनर में। या फिर आप मेरा ये चिली गार्लिक स्पॉन्ज गार्ड है इसको ले सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है एंड अमेजिंग वेट लॉस देता है आपको। आप इन चारों ऑप्शंस में से कुछ भी जो आपका मन करे वो आप ले सकते हैं। गाइज इसके बाद आती है हमारी नाइट ड्रिंक की बारी। नाइट ड्रिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वेट लॉस में, क्योंकि जब हम नाइट ड्रिंक लेते हैं तो पहली चीज़ तो रात को भी हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होता, फास्ट रहता है एंड इवन हम सोते वक्त भी वेट लूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब आप नाइट ड्रिंक लेते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपका जो स्टमक है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। तो नाइट ड्रिंक भी आप ज़रूर इंक्लूड करिए अपने डाइट प्लान में। मैंने पिछले वाले डाइट प्लान में बताया था कि आप सिनेमन टी ले सकते हैं, तो अगर आप सिनेमन टी लेना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं। 15 डेज तक आप सिनेमन टी लीजिए और उसके बाद आप ले सकते हैं अजवाइन टी की रेसिपी, ये मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। आप 15 दिन सिनेमन टी लीजिए एंड 15 दिन अजवाइन टी लीजिए। और गाइज इसके बाद आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आप मेरा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं आपको टाइम पर सोना है, 10 मैक्सिमम 10:30 बजे आप सो जाइए, उससे ज्यादा लेट आप मत करिए सोने में, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको जल्दी उठना है और तभी आपका जो वेट लॉस है वो सक्सेसफुल होगा। और अगर आप रात को बहुत ज्यादा देर तक जागेंगे तो आपको लगेगी फिर भूख और उसके बाद आप खा लेंगे कुछ भी उल्टा सीधा और फिर उसके बाद आपका वेट लॉस नहीं होगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तो आप टाइम पर सोइए जिसकी वजह से आप
आपको ना तो ज़्यादा देर तक जागने की वजह से भूख लगेगी एंड आपका जो बॉडी है वो 8 आवर्स का रेस्ट लेगी, जिसकी वजह से आपका डाइट प्लान होगा बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और आप बहुत ही सुपर वेट लॉस करेंगे। गाइज, डाइट प्लान फॉलो करते वक्त अगर आपने किसी एक मील में चीट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक मील में चीट कर लिया तो आपका सारा का सारा डाइट प्लान बेकार हो गया और उसके बाद से फिर आप चीट करते चले जाओ। नहीं, अगर आपने एक मील में चीट कर लिया, गलती कर ली, तो कोई बात नहीं, आप फिर से शुरू करिए एंड अगला जो मील है उसमें फिर से आप अपना डाइट प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। गाइज, माना कि वेट लूज करना टफ है, मगर मोटा होना भी तो टफ है ना। कितनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं हमें, खुद को कितना बुरा फील होता है, ना कोई अच्छे कपड़े आते हैं, ना हमें कहीं आना जाना पसंद होता है, ना खुद को मिरर में देखना अच्छा लगता है। तो आप चूज़ कर लीजिए आपको कौन सा वाला टफ चाहिए। आपको डाइट करना टफ लगता है, वेट लूज करना टफ लगता है, या मोटा होना ज़्यादा टफ लगता है। तो आप अपना टफ खुद चूज़ करिए, आज ही चूज़ करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको वेट लूज करना है और आपने ठान लिया, क्योंकि मैंने किया है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हम कोई अलग मिट्टी के तो नहीं बने हुए, तो आप भी कर सकते हैं, 200% कर सकते हैं। और ये डाइट प्लान मेरा फॉलो करिए, मैं 200% गारंटी दे रही हूँ कि आपका वेट लूज होगा ही होगा। और कैसे नहीं होगा, इस डाइट प्लान को यूज़ करके मैंने खुद अराउंड 10-12 केजीज लूज किया है 15 डेज में। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स लूज करते हैं, 15 केजीज तक भी लूज कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और इसको आज से ही शुरू करिए और अपना वेट लूज करना स्टार्ट करिए। गाइज, जब से मैंने वेट लूज किया है, मुझे अंदर से एक पैशन आ गया है कि मैं खुद का, तो मैंने वेट लूज किया ही किया है, मैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प करूं, कोई भी अनहेल्दी ना रहे, कोई भी ओबीस ना रहे, कोई भी ओवरवेट ना रहे। आप भी खुद अपना वेट लूज करिए और बहुत सारे लोगों की हेल्प करिए वेट लूज करने में, यही अब आपका टारगेट होना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए, अपनी फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी हेल्प ले सकें इस वीडियो से और अपना वेट लूज कर सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करिए, ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आऊँगी कोई बहुत ही अमेजिंग सा डाइट प्लान वेट लूज करने के लिए, या कोई बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी वेट लॉस के लिए। बाय फॉर नाउ।